आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आगरा के रेलवे स्टेशन पहुंची। व्यवस्थित तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी को स्टेशन से बाहर लाया गया और बसों में बैठाकर रवाना किया गया। हर जिले की अलग बस लगाई गई थी। बस में बैठे श्रमिक बेहद खुश नजर आ रहे थे। अहमदाबाद से चलकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 1190 यात्री थे। सभी यात्री आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे और उसके बाद सभी को सर्कुलेटिंग एरिया में लाया गया। पूरा देख सकते हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके से बाहर खड़ा गया है, गोल घेरे बनाए गए हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें लगाई गई हैं। सभी यात्री बसों के अंदर चढ़ रहे हैं एक एक करके। ये वो यात्री हैं जो लॉकडाउन के चलते विभिन्न जिलों में फंसे हुए थे, राज्यों में फंसे हुए थे और अब ये अपने घर पर पहुंचने वाले हैं। सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि उनके जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको आगरा अपने ज़िले में लाने के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को लाया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को लगाया गया और एक एक कर सभी को बसों के अंदर बैठाया गया। आप देख सकते हैं कि ये वो बसें हैं जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचेंगी। तमाम सारे यात्री फंसे हुए थे, लोग फंसे हुए थे, जो मजदूर थे, जो कंपनियों में काम करते थे, जो श्रमिक थे, फंसे थे और लॉकडाउन की समय सीमा लगातार बढ़ती जा रही थी। यही वजह थी कि इनकी परेशानियां भी लगातार बढ़ रही थी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बसें जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ये बस औरैया जाने वाली है। ये बस औरैया जाएगी, इसके ऊपर औरैया का पोस्टर चस्पा है। 3 नंबर की ये बस है, इसमें औरैया के यात्री फंसेंगे। और क्यों भाई, क्या नाम है आपका? संदीप। कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे आप? आ रहे हैं अहमदाबाद से, जाएंगे अयोध्या। अयोध्या? हाँ। फंस गए थे आप लोग? हाँ। कितने फंसे घर जाएंगे आप? 20 लोग। हाँ, 5 नंबर में बोले थे। कितने खुश हैं आप लोग? हाँ, कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं है, मंजिल बिल्कुल भी दूर नहीं है। अब इनकी मंजिल इनके पास आ चुकी है। लोग बेहद उत्साहित हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं आप? राजकुमारी। कहाँ जाएंगे आप? रायबरेली। अच्छा, कितने खुश हैं आप घर पहुँचे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छी सुविधा दी है, हर चीज़ की सुविधा दिया है, कोई परेशानी नहीं हुई खाने पीने से आने से जाने तक, और बस का वहाँ भी इंतजाम हुआ, यहाँ का भी हो गया है। सरकार ने बहुत अच्छा किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत प्रयोग किया है, दूर दूर बैठा है, एक लोग का एक सीट दिया है, बहुत अच्छा किया है। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, पानी भी मिला, खाना भी मिला, नाश्ता भी मिला है। हाँ, घर जा रहे हैं। अरे बहुत याद, मतलब 2 महीने बैठे थे घर में तो कोई काम धाम चल नहीं रहा था, इसलिए आए हैं घर। सभी लोग फंसे हुए थे। क्या नाम है आपका? सर सूरज प्रदीप। कहाँ जाएंगे आप? रायबरेली सर। कितने खुश हैं घर जा रहे हैं? सर खुशी तो है सर, सर फैमिली की तबीयत खराब है, इसके हिसाब से जाना पड़ रहा है। अच्छा। मम्मी पापा की तबीयत खराब है। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर, बस ट्रेन की सुविधा ठीक है, सब अच्छा था सर। कितनी याद आ रही है आपको? बहुत याद आई है सर। कितने भावुक हैं आप घर पे? सर जाने का अच्छा है सर, मम्मी पापा की याद आई थी इसके हिसाब से। माता पिता की याद इन लोगों को सता रही थी, ये बेहद परेशान थे क्योंकि घर इनको जाना था और इंतजाम जो किए गए हैं, ट्रेन लेकर इनको अहमदाबाद से आगरा कैंट पहुंची और उसके बाद प्रदेश की विभिन्न जिलों की बसों में इनको बैठाया जा रहा है, सिस्टम से इनको बैठाया जा रहा है, किसी को कोई परेशानी ना हो इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। पूरे व्यवस्था का इंतजाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लगातार अधिकारी भी लगातार मुस्तैद हैं, जो कि लगातार दिशा निर्देश संबंधित लोगों को दे रहे हैं। तमाम सारी व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं और आप देख सकते हैं सभी जो बसें हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें, उन बसों में इन सभी लोगों को
बैठाया गया है और बस इनके ज़िले के लिए रवाना हो चुका। और सभी आमतौर पर जितने भी लोग थे सभी लोग व्यवस्था की जमकर तारीफ करते आए। अब तक मुसीबत इनके ऊपर थी क्योंकि ये फंसे थे दूसरे ज़िले में, ये लोग फंसे थे, लेकिन अब अपने घर पर पहुंचना इनका तय हो चुका है। प्रदेश की धरती पर इन लोगों ने कदम रख लिया है, यही वजह ये लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं, प्रदेश सरकार की तारीफ कर रहे हैं और केंद्र सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं। अपने साथ अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।